एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक की गई। इस बैठक में एनजीओ द्वारा सरकार के विकास कार्यों की जन जन तक पहुंचाने की चर्चा भी की गई। बैठक में एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. अशोक नागर, क्षेत्रीय संयोजक उमेश उमर, महानगर जिला संयोजक डॉ. मंजू शुक्ला, गोरखपुर जिला संयोजक विनय तिवारी मौजूद रहे। जब चंद्रगुप्त और सेलूकस का एक उदाहरण में देना चाहता हूँ, उन लोगों का युद्ध आ रहा था। जब राजाओं के युद्ध होते थे तो सेलूकस ने अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त के शादी का प्रस्ताव रखा, तो चाणक्य ने एक बात कही कि ठीक है, हेलेना से चंद्रगुप्त की शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसका बेटा राज नहीं करेगा, क्योंकि विदेशी माँ का बेटा कभी आपके देश का भला नहीं कर सकता। ये इतिहास है, आप कभी भी देख लीजिएगा, ये विश्व का इतिहास है। बहुत सारे उदाहरण आपके हैं। संस्कृति एक बार फिर आपसे अपनी रक्षा करने का आपसे अधिकार मांग रही है, आपका सहयोग मांग रही है, आपका परिश्रम मांग रही है। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अपनी बात खत्म करता हूँ कि माननीय योगी जी, सम्मानित मंच, आप सबके सम्मान में दोस्तों हम सबको एक प्रण लेना है। हमें अपने देश की अपने करते हुए समापन की घोषणा करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाया जाएगा। युवा मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष रणजीत राय बड़े जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रमुख पदाधिकारी, आज की यह महत्वपूर्ण बैठक जो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, हमारे व्यवस्था की दृष्टि से, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से, और अभी पूरे मार्च भर जब हम 13 लोकसभा क्षेत्रों में, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, सभी में किसी न किसी विधानसभा में महिला मोर्चा के सम्मेलन है, युवा मोर्चा के सम्मेलन है, एससी मोर्चा के सम्मेलन है, ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन है, किसान मोर्चा के सम्मेलन है, यानी उस लोकसभा में 5 विधानसभा में किसी न किसी मोर्चे के सम्मेलन होने हैं। उसकी दृष्टि से हमारे सभी मोर्चे के अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र का एक पदाधिकारी आज उस कार्यक्रम की दृष्टि से इनको प्रभारी बना करके नीचे तक हमारे सम्मेलन ठीक हों, ऐसे सब दायित्व और धारी कार्यकर्ताओं को आज की बैठक में बुलाया है। और उसी दृष्टि से अभी एक एक विषय पर ठीक ढंग से हमारा कार्य कैसे चलेगा, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से एक एक विभाग के बारे में रत्नाकर जी ने विस्तार पूर्वक आप सबसे चर्चा की है। और अभी आज से लेकर के 31 मार्च तक बीच में और भी कई का आयोजन होने हैं, कई कार्यक्रम होने हैं। कल हम लोगों के गोरखपुर क्षेत्र की एक बड़ी बैठक भी है, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम आया है, उसकी दृष्टि से भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी 5 जो मोर्चे के सम्मेलन होने हैं और एक मीडिया, एक आईटी का, यानी 6 हमारे हर लोकसभा क्षेत्र में सम्मेलन, थोड़ी विसंगतियाँ भी हैं। हमने लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रदेश में भी चले गए और प्रदेश ने वापस की है और मऊ की भी आती है, तो ऐसा हुआ कि उसमें तीनों के तीनों जो किसान मोर्चा के सम्मेलन है